कंस्ट्रक्शन वो देखिए, दिख रहा है आपको कितना सारा आयरन यूज किया है, क्योंकि ये है अपने इंडिया के आयरन मैन। ये जब पहली बार मोदी साहब विजिट के लिए आए थे तब की फोटो है। यस यस, हम लोग खड़े वो जगह पहले थे। यस यस, जगह पर स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया जिसको साधु बेट के नाम से जाना जाता है। जय द्वारकाधीश। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और हम हैं गीता मंदिर बस स्टॉप पे, जो अहमदाबाद का बेहतरीन बस स्टॉप है और बड़ा सा बस स्टैंड है। तो अभी आप देख रहे हैं मेरे पीछे, मैं अभी यहाँ पे पार्किंग पे शूट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी सुबह का टाइम है और यहाँ पे लाइट है, तो यहाँ पे मैंने बोला कि शूट कर लेते हैं, ऊपर जाके आपको मैं व्यू पॉइंट दिखाऊंगा। तो अभी जर्नी की बात करें तो हम जा रहे हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। यस, एवरी स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात करें तो एवरीबडी इज नोज अबाउट इंडियाज आयरन मैन। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट सरदार वल्लभ भाई पटेल। जी हाँ, आपने सही सुना, हम जा रहे हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। 182 मीटर लंबी वर्ल्ड टॉलेस्ट जो प्रतिमा है वहाँ पे। तो ये जो जाने का सफ़र है, वर्चुअली हमारे साथ जुड़ जाइए, तो मैं आपको ये वर्चुअली जर्नी दिखाऊंगा। ये जो जर्नी होने वाली है GSRTC बस, जो हमको अहमदाबाद से डायरेक्ट यूनिटी ले जाती है, वो भी चीप प्राइस है। तो इसका प्राइस मुझे पड़ा है मे बी 150 के अराउंड है, और वो सीट और वो बस मैं आपको आगे दौरान दिखाऊंगा, कितने स्टॉप्स आते हैं मैं उन्हें दिखाऊंगा, कितने घंटे में हमको जो बोलते हैं यूनिटी पहुंचाते हैं, एग्जैक्टली यूनिटी के जो नया बस स्टैंड बना है वहां पे हमको उतारेंगे। और आपको एक बात बता दूं कि जो यूनिटी आपको बस से नहीं आना है तो ट्रेन भी आती है, और ट्रेन का जो उसके आजू बाजू जो है वो एकता नगर बोलते हैं, तो आप एकता नगर डालेंगे तो एकता नगर टू अहमदाबाद और अहमदाबाद टू एकता नगर ट्रेन आती है। अभी आप रेलवे स्टेशन पे आ गए तो यूनिटी से फ्री बसेस चलती है रेलवे स्टेशन से यूनिटी तक, तो आप वहाँ उसके अंदर भी आ सकते हैं, या फिर आप GSRTC बस को भी प्रेफर कर सकते हैं। इसमें AC सीटर भी होता है और ये एक्सप्रेस बस भुज नगरी भी चलती है। तो ज़्यादा वक्त ना गंवाते हुए हमारा जो वीडियो है वो शुरू करते हैं। नहीं नहीं नहीं, आपको पता है कैसे, मैं आपके साथ हूँ, आप हमारे साथ और हम सब GSRTC के साथ हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो बस आई गई छे, આપણે ટાઈમ ટુ ટાઈમ જ છે બસ, એટલે 2-5 મિનિટ વહેલા આવી ગઈ છે આપણે બસ છે। Oh, my God.
Thank you.
तो अभी बज रहा है मे बी 10:45 या 11 बजने में मे बी 15-10 मिनट बाकी होगी। और हमारी बस हमको टाइम टू टाइम मे बी टाइम से ज़्यादा पहले हमको ये स्टैचू ऑफ यूनिटी लेके आ गई है। ये जो बस है वो पीछे ये खड़ी है वो है, ये वडनगर से होते हुए जो मोदी जी का गांव है वडनगर, वहाँ से होते हुए ये जो सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल जो लेजेंडरी मैन वर्ल्ड में बड़ा से बड़ा जो स्टैचू है प्रतिमा है वहाँ तक ये चलती है। और ये इस बस का नाम है डीलक्स एक्सप्रेस। अभी इस बस का प्राइस मुझे पड़ा था मे बी 150 के अराउंड, और ये बेहतरीन बस है तो आप ट्रैवल कर सकते हैं। और एक दूसरी बात कि अभी यहाँ पे एकता नगर नाम का रेलवे स्टेशन है तो वहाँ तक आप ट्रेन में भी आ सकते हैं कहीं से भी। और यहाँ पे देख सकते हैं पीछे मेरे जो पीछे बस खड़ी है वो सब फ्री में जो आपको एकता नगर से यहाँ तक लाएगी और यहाँ से भी एकता नगर रेलवे स्टेशन पे लेके जाएगी। और यहाँ से नज़दीक में 2-3 किलोमीटर पे सरदार सरोवर डैम है, वो भी यहाँ से कवर अप करती है ये बसेस, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आगे वीडियो में बने रहे, मैं आपको और जानकारी दूंगा। तो दोस्तों सीन कुछ ऐसा है कि ये अभी हमने टिकट ये ले ली है, मे बी 380 की पड़ी है मुझे, और आप ऑनलाइन बुकिंग करेंगे तो 350 की पड़ेगी। और पीछे ये देख रहे हो टिकट काउंटर है और उसके एग्जैक्टली बाजू में लॉकर है, तो लॉकर एकदम फ्री है। आप टिकट लेंगे या नहीं लेंगे तो लॉकर आपको फ्री दिया जाएगा, आपके जो भी सामान है वो वहाँ आप रख सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं है। और उसके बाजू में ही फोटो सेशन है, आप फोटो भी खिंचा सकते हैं। तो अभी तो हमको जो टिकट मिली है वो 380 वाली है, और हमारा कुछ टाइम इन्होंने नक्की किया है, टिकट देते हैं तो टाइम नक्की करते हैं, तो 12 से 2 का हमारा टाइम है, 2 घंटे का टाइम है अंदर। और हमने जो टिकट ली है पूरी ऊपर तक जाने के लिए टिकट, और आप टिकट का भाव 2 तरीके का है, एक 150 का है और एक 380 का है। 150 तक आप जो पैरों तक है सरदार जी वल्लभ भाई जी उनके पैरों तक जा सकते हैं, और 380 में ऊपर हृदय तक जा सकते। तो मैंने वीडियो बनाने के लिए 380 का लिया है, तो आपको व्यू नीचे का भी दिखाऊंगा ऊपर का भी दिखाऊंगा, तो बने रहे। तो अभी तो देर है, तो अभी हम जाएंगे, आधा एक घंटा है, तो अभी हम जाएंगे कुछ खाना बनाए खाएंगे, उसके बाद आपको 12 बजे के बाद मैं सब दिखा पाऊंगा। तो खाना खाते उसके बाद मिलते हैं। तो अभी हमने खाना खा लिया और हम अंदर भी आ गए। तो आपको मेन एंट्रेंस की बात करूं मैं तो ये सब जो ऑर्गेनाइज मतलब ये सब अंडर आर्मी होता है, मतलब सब अंडर आर्मी मतलब सब आर्मी वाले ही सब ये देखभाल करते हैं, और कड़ी सिक्योरिटी के दौरान यही आपको अंदर आने देंगे, सब कुछ चेक करेंगे आपका। 2-3 बार चेकिंग हुआ, एक बाहर होगा, एक दूसरी बार मेन गेट पे होगा, और लास्ट अंदर होगा, और बाद में आपको अंदर जाने देंगे। और जो सामान है मतलब जो
आपका जो सामान वो आप मे भी पॉसिबल हो तो वहाँ अंदर रख के आइए और यहाँ पे आपको घूमने में अच्छा रहेगा। तो आगे का व्यू ऑफ पॉइंट मैं दिखाता हूँ और ऊपर तक हम जाएंगे तो उसका भी मैं दिखाता हूँ, तो चलिए देखते हैं। और ये रेलिंग भी है, आप देख सकते हैं, मैं रेलिंग पे मैं चलता नहीं हूँ, रेलिंग पे आ रहा हूँ। ये जो एयरपोर्ट पे होता है वैसे यहाँ पे है, आपको चल के नहीं जाना है तो यहीं पे खड़े होकर भी जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप पीछे देख रहे हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और वो घड़ी आ ही गई जो हम पहुँच गए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, इंडियाज़ लेजेंडरी मैन और जो वर्ल्ड टॉलेस्ट प्रतिमा के वहाँ। तो ये जो पूरी प्रतिमा आपको पीछे दिख रही होगी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, जो लेजेंडरी मैन है इंडिया के, तो ये पूरा हम ऊपर तक जाएंगे, आपको व्यू दिखाएंगे ऊपर से भी, पर पहले अभी देखेंगे, इसके बाद हम अंदर का जो गैलरी जो बोलते हैं इसको, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो पूरा जो इतिहास है वो अंदर दिखाया जाएगा। और इस वीडियो में भी मैं आपको दिखाऊंगा थोड़े थोड़े जो क्लिप्स है, आप देखिए और इंजॉय कीजिए। ओ भाई साहब, ये जानकारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे चलते पहले के लास्ट में आना है। हाँ तो ये देखिए, आई एम एट ऑफ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। आप यहाँ आप रह के खड़े होके फोटो भी खींचा सकते हैं, ओके, फोटो सेशन वाला कुछ है। ओके ओके, यहाँ पे आप देखिए ये बिल्ड कैसे हुआ है, वो है ये जो बिल्ड कैसे हुआ है वो है। तो आप देखिए कहाँ से शुरुआत की थी, कहाँ तक है, और ये प्रतिमा कैसे खड़ी की है, देखिए मैं आपको आगे से दिखाता हूँ। जो इंजीनियरिंग वर्क है, सिविल वर्क, वो बेहतरीन किया गया है, गुड वर्क बोलते हैं। ये जो इंडिया का लाजवाब नमूना एक पेश किया जाता है वर्ल्ड के सामने, और उसके एग्जैक्टली बाजू में ही है दुनिया में कौन कौन से टॉलेस्ट, मतलब कि कौन से बड़े बड़े जो स्टैचू है वो है। तो सबसे ऊपर हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल द लेजेंडरी मैन आते हैं, वो भी इंडिया में है अपना। और ये अभी हम यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं। ये है दूसरा चाइना, जापान, USA, रसिया और लास्ट ब्राज़ील। ये जो मेन चुनिंदा है वही रखे हैं। तो आप देख सकते हैं अपने जो सरदार वल्लभ भाई पटेल लेजेंडरी मैन, उनकी हाइट, जो स्टैचू की हाइट है वो 180 मीटर है। तो देखिए, और इसे इधर दिया हुआ है सब, आप देखिए। फिर आते हैं चाइना में जो स्प्रिंग चैंक टेम्पल बुद्धा है, उसके बाद आप यहाँ पर आके देख सकते हैं, इतना तो ठीक है। फिर अभी हम अंदर चलते हैं और वहाँ पे आपको जो है वो कुछ परस में भी जो कुछ आपको पूछना है यहाँ स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में तो आप पूछ सकते हैं। और ये जो देखिए अपने जवान जा रहे हैं आर्मी के, ओके, आप देखिए ये, और यहाँ पे आप सब जो डिजिटल वो बोलते हैं वो भी दिखाते हैं, पोस्टर्स भी दिखाते हैं। द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, द मेकिंग ऑफ द वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू, ओके, टॉलेस्ट। और ये इसका जो इनोग्रेट किया था वो मोदी जी ने किया था, ओके तो आपको मैं आगे ये सब दिखाता हूँ। वो जो मैडम है वो समझा रही है, मैं उनसे बात करवाऊँगा आपसे, फिर देखते हैं। और देखिए यहाँ पे जो बीच में है, और एक बात है कि अभी जो गर्मियाँ चालू हो गए और अंदर आते ही हमको AC चालू ही है, फुल AC चालू है, जो अंदर जो बोलते हैं म्यूजियम वहाँ पे। तो अभी आप स्टार्टिंग अंदर आते ही आपको जो मैडम है वो यूनिटी, जो स्टैचू ऑफ यूनिटी टॉलेस्ट स्टैचू है वहाँ कुछ आपको बताएंगे। तो मैडम बताइए इस स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में। ये जब पहली बार मोदी साहब विजिट के लिए आए थे तब की फोटो है। yes, हम yes. लोग खड़े वो जगह पहले थी। yes, yes. जगह पर स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया जिसको साधु बेट के नाम से जाना जाता है। yes, ma'am. विजिट के लिए आए तब उनको ये बलून छोड़ के बताया था 180 किलोमीटर पे इतनी हाइट पे ये स्टैचू बनेगा। और 180 किलोमीटर रखने का रीजन ये गुजरात असेंबली की जो नंबर ऑफ सीट है वो 182। yes, ma'am. ये 2013 की फोटो है जब भूमि पूजन हुआ तब की, तब मोदी साहब गुजरात के CM थे और लाल कृष्ण अडवाणी साहब भी आए
उन्होंने ये भूमि पूजन किया था 31 अक्टूबर 2013 में। यस यस 2013 में ऐसा है। ओके ये 2018 की फोटो है जब इनॉग्रेशन हुआ था। ओके ये गुजरात का पूर्व मंत्रिमंडल है। ये है सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड IAS अधिकारी और इंजीनियर स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाने के लिए एक ट्रस्ट बनाया था उसके मेंबर। और ये है टेक्निकल टीम। इसमें ये डिजाइनर श्री राम वनजी सुधार महाराष्ट्र से है, धुले डिस्ट्रिक्ट कोंदूर से। अभी वो 97 ईयर्स ओल्ड है। उनको पद्मश्री और पद्मभूषण अवार्ड से सम्मानित किया है। ये उनके बेटे है अनिल सुधार। ये है LNT के MD SN सुब्रमण्यम, जिनको वर्क ऑर्डर दिया था 5 ईयर्स का, 46 मंथ में उन्होंने कम्प्लीट किया था। ये जो तस्वीर है यहाँ के जो ट्राइबल लोग है उनकी संस्कृति को रिफ्लेक्शन करते हुए ये तस्वीर रखी है। इसमें ये पेंटिंग है वो पिठोड़ा पेंटिंग है जो राधवा समाज की फेमस है। तो थैंक यू मैम, मैम ने बहुत ही बड़े बढ़िया तरीके से हमको समझा दिया है। आप यहाँ पे आए स्टैचू ऑफ यूनिटी और आपको कुछ पता भी नहीं है तो यहाँ पे समझाया भी जाएगा। बहुत बड़ा हॉल है, म्यूजियम बोलते हैं इसको, सरदार वल्लभ भाई पटेल द लेजेंडरी मैन। और एक बात कि यहाँ पे जो क्लीनिंग है, मेंटेनिंग है, और जो सोशल डिस्टेंस का पालन भी होता है यहाँ पे, मेंटेनिंग भी है और जो क्लीनिंग है और A1 क्लीनिंग है, मतलब कहीं पे भी अपने को कचरा नहीं मिलता है। तो यहाँ पे जो व्यू ऑफ गैलरी है बेहतरीन है। आप यहाँ पे जो पीछे देख सकते हो थिएटर है बहुत बड़ी है। यहाँ पे AC वाला जो है वो भी है। आगे का मैं वो अब दिखाता हूँ, तो वीडियो बने रहे। यहाँ पे थोड़ा आप आगे आएंगे तो यहाँ पे उनका जो इतिहास है वो भी दिखाया गया है कि कौन से समुदाय में से है और क्या क्या है उनके बारे में, और अपने कुछ गुजरात की जो छाप है, मतलब जो जो छवि है वो प्रचलित की गई है। तो अभी हम ऊपर, मतलब जो उनकी छाती है वहाँ पे, मतलब जो उनका हृदय है वहाँ ऊपर जाने के लिए प्रस्थान करते हैं। तो जाना है तो यहाँ पे आगे देख सकते हैं, यहाँ पे जो लिफ्ट बनी हुई है, तो आगे बात करते हुए चलते हैं। तो बहुत लंबी लाइन है भाई साहब, अब देखिए। और हमारे पास टाइम ही है, ये अभी 1 बजने को आया है और 2 बजे का टाइम है, और लंबी लाइन देखिए आप, मे बी 20 आधा एक घंटा लग जाएगा हमको यहाँ अंदर जाते जाते। ऊपर तो बात अलग है, अंदर जाते जाते ही ऊपर टाइम लग जाएगा। और ये एक बात बताऊँ तो ऊपर 45 फ्लोर, मतलब 45 फ्लोर्स ऊपर जाना है हमको, वो भी लिफ्ट से ही। और इसके लिए बहुत मतलब इतने ज़्यादा पैसे लेते हैं, 380 रुपीज़ लिफ्ट से जाना है इसके लिए मे बी। तो चलिए लाइन में शुरू खड़े रहते हैं। सबसे ऊपर आ गए। ऊपर आ गए हैं लिफ्ट में, बहुत टाइम नहीं लगा मेरे को, 2 मिनट का टाइम लगा होगा। मैं दिखाता हूँ, तो देखिए।
यहाँ से आप व्यू ऑफ पॉइंट देख सकते हैं, हम हृदय में आ गए और सरदार वल्लभ भाई पटेल द लेजेंडरी मैन के जो बोलते हैं लेजेंडरी में आ गए हैं। बहुत भीड़ है आज तो, क्योंकि संडे है ना इसके लिए। ओहो, ये देखिए इसका आर्किटेक्चर, मतलब जो स्ट्रक्चर है कंस्ट्रक्शन, वो देखिए दिख रहा है आपको कितना सारा आयरन यूज़ किया है, क्योंकि ये है अपने इंडिया के आयरन मैन। जी हाँ, आपने सही सुना, लोखंडी पुरुष के लिए लोखंड से बना हुआ ये जो प्रतिमा है, बहुत सारा लोखंड यूज़ किया है। तो ये रही अपनी नर्मदा रिवर और एग्जैक्टली उसके ऊपर है हमारे लेजेंडरी मैन, द ग्रेटेस्ट लेजेंडरी मैन और द वर्ल्ड टॉलेस्ट प्रतिमा जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। तो इस वीडियो में मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपके पास वन डे ट्रिप की प्लान है तो आप यहाँ पे ज़रूर विजिट करिए स्टैचू ऑफ यूनिटी। आप यहाँ पे एक नहीं 10 या 12 ऐसी जगह है जो वन डे में आप आसानी से कवर अप कर सकते हैं। तो लास्ट में मैं ऐसा ही कहना चाहता हूँ और नई एक जर्नी के साथ मैं आपको फिर से मिलूंगा। तो चलिए, जय द्वारका देश।